आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। उत्तर रेलवे जीएम टीपी सिंह को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। मंगलवार की शाम मुरादाबाद में कर्मचारियों ने रेल प्रबंधक को खरी खोटी सुनाई, अस्पताल के सीएमएस के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। तय समय से विलम्ब से मुरादाबाद पहुंचे जीएम ने कर्मचारी संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। नरमू के मंडल मंत्री राजेश चौबे, अध्यक्ष आर के बाली, सहायक मंडल मंत्री सोहेल खालिद, उर्मू के मंडल मंत्री शलभ सिंह, अध्यक्ष मनोज शर्मा, मंजू बिष्ट, SC ST के विनोद कुमार, धर्म सिंह मीणा, मंडल सचिव विनोद कुमार, OBC के SK यादव, संतराम जितेंद्र सिंह ने इस सिलसिले पर अपनी बात रखी। उधर कर्मचारियों की मीटिंग में व्यस्त जीएम को रेलवे अस्पताल के सीएमएस के विरोध से दो चार होना पड़ा। CPO CCM की मौजूदगी में जीएम ने DRM अजय कुमार सिंगल से कर्मचारियों की नाराजगी का कारण पूछा। सीनियर DPO, सीनियर DCM, सीनियर DM सहित डिवीजन के आला अफसरों ने विभाग व अपना पक्ष रखा, तो वहीं दिव्यांग की दिक्कत का लिया संज्ञान। जीएम टीपी सिंह ने दिव्यांग कर्मचारी पुत्री की समस्या का संज्ञान लिया, कहा कि सीनियर DPO इस मामले में जांच करेंगे और नियमों के अनुसार अनुमन्य सुविधा दी जाएगी। दूसरी चीज हम लोग ये बताएं कि क्या रहा निरीक्षण के आगे, हम फिर बात करें। देखिए, निरीक्षण जो है ये साल के बाद हर डिवीजन का निरीक्षण होता है और हर बार हम एक सेक्शन चुनते हैं जिसका 4-5 साल बाद नंबर आता है। जी जी जी। उसका पर्पज़ ये होता है कि उस सेक्शन का एक थोरो ओवरहॉल हो जाए और उसमें जो भी कुछ कमियां हैं या जो भी उसमें अच्छी चीज़ है और जो हमारे स्टाफ अच्छे कार्य करते हैं उनको हम मोटिवेट करें, उनको इनाम दें, और जो जैसे हमारे कुछ स्टाफ होते हैं उनकी नॉलेज चेक करते हैं सेफ्टी के प्रति, सेफ्टी के ऑडिट करते हैं, ये सारी चीज़ें एक पूरे दिन में करी जाती हैं। जी जी। जैसे आपने देखा है, हमने 9 बजे शुरू किया था, अब रात के 10 बज गए। जी जी जी। हालांकि मैं बहुत समय नहीं लूँगा ये आपको तो। नहीं नहीं, मैं आप समय लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जो हम इंस्पेक्शन करते आ रहे हैं तो करीब अब 13 घंटे का इंस्पेक्शन हो गया माइनस 2 ट्रेवल टाइम रोजा से मुरादाबाद। पर इसमें हमारा पर्पज़ यही होता है कि रेलवे की संरक्षा वाले जितने भी इश्यूज हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएं। स्टाफ सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा स्टाफ। स्टाफ के मामले में हम जितना उनको सुविधाओं के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में जो भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इनाम विनाम भी इसमें स्टाफ को पूरा देते हैं। तो क्या रहा पूरा आलमनगर से रोजा तक आपको कैसा? नहीं, आलमनगर से नहीं, हम इसको काकोरी से शुरू किया। इनफैक्ट फर्स्ट पहला स्टेशन मलिहाबाद रुके थे हम। मलिहाबाद में हमने कुछ आइटम्स चेक करे थे, कुछ घर चेक करे थे, लोगों के घरों की कंडीशंस देखी थी, फिर आगे जाके ब्रिज इंस्पेक्शन किया था, ये सारी चीज़ें, फिर रनिंग रूम गए थे, बहुत जितने भी एस्पेक्ट थे सेफ्टी के वो सारे चेक किए गए। मैं चुनाव है इसलिए कोई ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ। लेकिन आपसे पहले जो भी रहा, एक ही मुद्दा रहा यहाँ बड़ा कॉमन, लोको शेड पुल 2017 में बन जाना था। लोको शेड पुल जो पुल, अच्छा पुल, इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है लोको शेड पुल। उस पुल 2017 में बननी थी, ब्रिज कॉरपोरेशन ने तैयार कर रखा है, रेलवे ने अभी तक तैयार नहीं किया। मुझे लगता है शायद दिसंबर तक, अगर बहुत अधिक आपकी वो चले तो वो क्या कब तक पूरा? देखिए, आप उसको अभी जवाब नहीं दे पाएंगे कब तक पूरा होगा, लेकिन ये है कि हमारे रेलवे की तरफ से एक कंसिस्टेंट हमारा प्रेशर रहेगा। अच्छा। उसको काम को पूरा कर देंगे। जो रेलवे की
जो भी उसमें हमारा रेलवे वाला जो पोर्शन है, अगर ये आजकल तो कई पुल एक ही ऑर्गेनाइजेशन टर्न की पर करते हैं, ये वाला मुझे पता नहीं, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो हम रेलवे का जो पूरा अपना प्रेशर लगा के काम करते हैं। ये आप चौथे जीएम हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, बाकी डीआरएम साहब इनपुट आपको दे देंगे, बता देंगे, तो कोई आप डेडलाइन उसकी, आप अभी मार्च तक अभी तो देखिए, मैं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो मैं इस मामले में कुछ नहीं, वो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, मैं इलेक्शन नया प्रोजेक्ट हो पुराना हो उसका, लेकिन इसमें कुछ अनाउंसमेंट्स या कुछ डेडलाइंस मैं अभी नहीं बताऊंगा। कब तक आप इलेक्शन का इंतजार करिए, उसके बाद हम आपको डेडलाइन भी बता दें। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा, बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, मुझे आप हमें आपके हिसाब से जो लिस्ट है वो दे दीजिए। हमारे हिसाब से जो लिस्ट है, हमको तो पता है क्या क्या पेंडिंग है, आपको अगर आपकी लिस्ट कोई डिफरेंट है। मैं आप ही की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरा, मैं अपनी कोई लिस्ट नहीं बना। देखिए, हमारा एक रेलवे में एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीका है प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप करना। जी जी जी, वो हम उसमें रिव्यू मीटिंग सब भी करते रहते हैं। जी जी, ठीक है, तो उसमें सारे प्रोजेक्ट्स रिव्यू हो जाते हैं। चलो मित्रों, और कुछ किसी को चला खत्म करें? ये जूनियर आई थी किस चिकित्सालय के बारे में बोल रहे थे। देखिए, ऐसा है कि स्टाफ के हमारे इश्यूज रहते हैं, और जो इश्यूज हैं कभी किसी के ट्रांसफर्स के इशू, हम लोग भी बड़ा हल्ला था यार। स्वागत गर्मजोशी से हुआ आपका, ये तो भाई देखिए ऐसा है, नहीं अच्छा लगा होगा, जिंदाबाद ही कर रहे थे, मुर्दाबाद तो नहीं कर रहे थे, चुनाव का तो दोनों रहे थे आप, कर तो दोनों रहे, मुर्दाबाद किसकी कर रहे थे, जिसका दोनों तो, लेकिन आपकी जिंदाबाद, आपकी जिंदाबाद कर रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे आपके साथ, किसके कर रहे थे ये आप बताएंगे? कोई अस्पताल का कोई मामला था सीएमएस को लेकर, मैडम ने कुछ, देखिए ऐसा होता है कि यूनियन है तभी हम हैं तभी यूनियन है, और अगर हम लोग सब कुछ शांति से चलता रहे तो फिर इसका, हम कहते हैं ना कि जब तक एक पॉजिटिव फ्रिक्शन नहीं रहे फैमिली के अंदर, तो इसका मतलब कुछ कोई लोग काम नहीं कर रहे। आपका पहली बार आना हुआ, कुछ ताजगी लगेगी या जैसे चल रहा है एज इट इज, हम लोग क्या माने आप आए हैं तो कुछ? आप अभी देखिए, मैं फरवरी में मैंने टेक ओवर किया जी, आप मुझे 6 महीने बाद फिर आप कहिएगा क्या जोन बदलने में कैसा लगा, क्योंकि वो जोन का तरीका अलग था, वो एनआर के तरीके कुछ अलग है। देखिए, मैं मेरा जो लियन है ना, उत्तर रेलवे में रहा हूँ, मेरी सारी जिंदगी उत्तर रेलवे, आप रहने वाले ही उत्तर रेलवे के, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जोन बदलने पर कैसा? नहीं, जोन, हर जोन की अपनी अपनी खासियत और अपनी अपनी अच्छाई और बुराई होती है। तो NWR की, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ, बिल्कुल इसी तरह उत्तर रेलवे की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। काम की जगह है ये, काम जाते हैं।